जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था कि ड्रीम इलेवन से आप कैसे पैसा विड्रॉल कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने बताया था उस वीडियो में, तो उस वीडियो में बहुत ही अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स मिला। लगभग 2 लाख व्यूज इस पर क्रॉस होने वाला है। बहुत अच्छा लगा आप सभी का, इतना प्यार मिला उस वीडियो पे। लेकिन उसी वीडियो में बहुत सारा आप सभी का जो है सवाल क्वेश्चन उस पर आ रहा है कि संजय भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास पेटीएम अकाउंट है, बहुत सारा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, मिनिमम कितना वहाँ पे विड्रॉल हो सकता है, मैक्सिमम मैं कितना विड्रॉल कर सकता हूँ। लगभग मुझे ये भी सवाल आता है कि 1 करोड़ अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं कैसे उसको विड्रॉल करूँगा, बैंक वाले मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। तो अगर आप भी अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस वीडियो को जरूर से देखना है, ताकि आपको सारा क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाए और बहुत ही आसानी से अपने पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हो अपने अकाउंट में, चाहे कोई सा भी अकाउंट हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस सारे सवालों का जवाब। मैंने बहुत ही अच्छा सवाल पिक किया है जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। उस वीडियो पे बहुत सारा सवाल आ रहा था, तो उसी वीडियो में से मैंने बहुत अच्छा सवाल पिक किया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। अगर आप ड्रीम इलेवन से पैसा विड्रॉल पूरा प्रोसेस सीखना चाहते हो कि कैसे कौन सा सेटिंग्स कहाँ पे करना है जिससे कि आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है। पूरा प्रोसेस मैंने बताया है, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसको जाकर के जरूर से देखिएगा। लेकिन विड्रॉल करने से पहले इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जिससे कि आपको सारा प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट विड्रॉल करने जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे आएगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको इसी टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता है, तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको जो वीडियो मैं अपलोड करके दूंगा वो मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल आ गया है। यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि ईमेल आईडी ड्रीम इलेवन अकाउंट में दूसरा है और बैंक में दूसरा ईमेल आईडी है, तो वेरीफाई कर सकते हैं बैंक अकाउंट से। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ड्रीम इलेवन अकाउंट में कोई सा भी ईमेल आईडी है और आपके बैंक अकाउंट में कोई सा भी ईमेल आईडी है, दूसरा भी ईमेल आईडी है, तो बहुत ही आसानी से आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मेरे ड्रीम इलेवन अकाउंट में दूसरा ईमेल आईडी है और मैंने अपने बैंक अकाउंट को ओपन करते टाइम पे या तो किसी भी प्रकार से मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी दूसरा कर दिया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपके ड्रीम इलेवन अकाउंट में दूसरा ईमेल आईडी होगा और बैंक अकाउंट में दूसरा ईमेल आईडी होगा, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। यहां पे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो यहां पे दूसरा सवाल यह है कि ड्रीम इलेवन में जिस नाम से पैन कार्ड डाला है उसी नाम का बैंक अकाउंट लगेगा। तो जी हां दोस्तों, अगर आप अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट में वेरीफाई करते हो पैन कार्ड को, तो उसी पैन कार्ड के नाम से ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि मेरा पैन कार्ड अगर है, मैं जिस पैन कार्ड से वेरीफाई कर रहा हूं, तो मेरा ही बैंक अकाउंट वहां पे लगेगा। तो ये कंफर्म आप कर लीजिए कि अगर आप जिस पैन कार्ड से वेरीफाई करते हो उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब उसी पर्सन का बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाकर के विड्रॉल हो पाएगा। यहां पे चलते हैं थर्ड सवाल की ओर। तो यहां पे लिखा हुआ है, सर एक साथ कितना विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मिनिमम आप 200 रुपए विड्रॉल कर सकते हो और मैक्सिमम एक बार में 2 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो। अगर आप 1 करोड़ जीत जाते हो तो वहां पर 2 लाख तक एक बार में रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए भेज दिया जाएगा ड्रीम इलेवन की तरफ से, अगर आप जीतते हो तो। तो यहां पे मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप ड्रीम इलेवन से वहां से विड्रॉल करना चाहते हो तो मिनिमम 200 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख रुपए, ठीक है, आप विड्रॉल कर सकते हो। यहां पे चलते हैं अगले सवाल के ओर। तो यहां पे लिखा हुआ है कि सर बिना पैन कार्ड के नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा मुझे पूछा जाता है कि संजय भाई मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, क्या मैं विड्रॉल कर सकता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तब तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, चाहे आप अपने नाम से भी ड्रीम इलेवन अकाउंट बनाए हो लेकिन वहां पे अपने पापा गया तो मम्मी का पैन कार्ड लगा करके और अपने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपके पास जो भी पैन कार्ड है उसी नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो अगर आप अपने पापा का पैन कार्ड वहां पे लगाते हो तो अपने पापा का ही बैंक अकाउंट वहां पे वेरीफाई कर दीजिए। अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ड्रीम इलेवन अकाउंट से आपका वेरीफाई नहीं होगा। चलते अगले सवाल की ओर। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर जिससे ड्रीम अकाउंट है पैन कार्ड बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। मतलब ये लिख रहे हैं कि जिस मोबाइल नंबर से ड्रीम इलेवन अकाउंट मैंने बनाया है उसी नंबर से उसी मोबाइल
मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी मोबाइल नंबर से ड्रीम इलेवन अकाउंट बनाते हो और आपके बैंक में किसी और का भी नंबर है, मतलब कोई और नंबर है, तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। इससे आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप बहुत ही आसानी से वहाँ पर वेरीफाई करके पैसा विदड्रॉल कर सकते हो अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार में कितना रुपये विदड्रॉल किया जा सकता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बोला कि मिनिमम आप 200 रुपये विदड्रॉल कर सकते हो, मैक्सिमम आप 2 लाख रुपये तक विदड्रॉल कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेटीएम में, मतलब पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि पेटीएम वॉलेट में, फोनपे वॉलेट में, किसी भी प्रकार का वॉलेट है, अमेजोन वॉलेट, इस समय आप विदड्रॉल नहीं कर सकते हो। आपको सिंपली अपना बैंक अकाउंट वहाँ पर वेरीफाई करना है पैन कार्ड के साथ में, आधार कार्ड के साथ में। आपका वेरीफाई जैसे ही हो जाता है तो आप पैसा विदड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई अगर टीम नहीं बनी और मैंने पैसा लगा दिया तो वो वापस कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूँ अगर आप ड्रीम इलेवन अकाउंट में पैसा वहाँ पे जो है वहाँ पे ऐड करते हो और अगर आप चाहते हो कि वापस कर लूँ, तो उसके लिए आपको पहले मैच में पैसा लगाना होगा, जीतना होगा, तभी जाकर के आप पैसा विदड्रॉल कर सकते हो। ये बहुत ही एक इशू है क्योंकि बहुत सारे वॉलेट में आप पैसा जैसे उसमें ऐड कर दो तो उसको विदड्रॉल कर सकते हो, लेकिन ड्रीम इलेवन में ऐसा नहीं सिस्टम है। अगर आप उसमें ऐड कर देते हो अगर 100 रुपये, तो 100 रुपये से आपको कुछ पैसा जीतना होगा, तभी जाकर के आप जो जीतते हो पैसा वही विदड्रॉल होता है, आप जो ऐड करोगे वो विदड्रॉल नहीं होगा। चलते अगले सवाल की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई मुझे ड्रीम इलेवन का पासवर्ड में भूल गया हूँ, मतलब मैं ड्रीम इलेवन का पासवर्ड ही भूल गया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर से जाकर के देखिएगा। उसमें आपको मैंने बताया कि कैसे आप अगर आप ड्रीम इलेवन का पासवर्ड भूल जाते हो तो रिकवर कर सकते हो, तो उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला सवाल और कुछ है यहाँ पे कि नहीं। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि जिस बंदे का पैन कार्ड होगा उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो हाँ दोस्त, अगर आपके पास जिसका पैन कार्ड है उसी का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी जाकर के वेरीफाई होगा और विदड्रॉल आप कर सकते हो ड्रीम इलेवन अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल को। तो सर पैसा कितने टाइम तक खाते में आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 24 घंटे में भी आ जाता है, 2 घंटे में आ जाता है और 2-3 दिन भी लग जाता है। तो आपको वेट कर लेना है, पैसा आपका जरूर से विदड्रॉल हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में जरूर से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है कि भाई डायरेक्ट पेटीएम में नहीं होगा विदड्रॉल। तो नहीं दोस्त, अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट है उसमें चाहते हो विदड्रॉल करना तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपना पैन कार्ड और बैंक अकाउंट ही लगाना है, जिसका पैन कार्ड होगा उसी का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, विदड्रॉल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट सवाल ये है अभिषेक भाई का कि पक्का विदड्रॉल हो जाएगा नहीं, बहुत ही छोटा सा सवाल है। तो मैं आपको बता दूं अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो बहुत सारे लोगों ने विदड्रॉल किया है, गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हो, बहुत सारा पैसा लोग जीते हुए हैं ड्रीम इलेवन से। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर के गूगल पे देख सकते हो। और अगर आपको पैसा विदड्रॉल करना है पक्का, तो आपको पहले पैन कार्ड और बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, बहुत ही आसानी से फिर पैसा विदड्रॉल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अगर आप ड्रीम इलेवन अकाउंट से पैसा विदड्रॉल करना चाहते हो और उसका प्रोसेस सीखना चाहते हो, तो मैंने उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है कि क्या क्या कौन सा स्टेप कहां पे लेना है जिसे आप पैसा विदड्रॉल कर सकते हो। तो उस वीडियो को जाकर के जरूर से देखिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पे एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो।